हैं हम थोड़ा गर्मी में ठंडी का एहसास लेने के लिए। बड़ी गाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रक आया हुआ है इस रोड पे। ट्रक कितनी सुंदरता, कितनी शांति, पीस, सिर्फ चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहिए और आप निकल पड़े हैं अपने एक नई राइड के लिए। तब हम देहरादून जा रहे हैं किसी काम से, कुछ काम था यहाँ पर। उसके बाद हम सोच रहे हैं आगे जा ही रहे हैं तो आगे नहीं होके आएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी ये नहीं पता हमें आगे कहाँ जाना है, तो निकल रहे हैं देहरादून तो जाना ही, आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। पीछे काफ़ी बारिश हो रही थी इसलिए काफ़ी आगे आ गए और बीच में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। 40-50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं तो काफ़ी तेज़ बारिश थी। और अभी फ़िलहाल लग रही है काफ़ी भूख, क्योंकि जल्दी उठ गए थे रोजी होते हुए। देखते हैं फिर बढ़िया सा ढाबा और कस्बे में पेश होगा। फाइनली अपना हो गया खाना पीना डन, बहुत ही बढ़िया थे परौंठे। सुबह सुबह इतने बढ़िया परौंठे मिल जाए, बढ़िया कड़क चाय मिल जाए और क्या चाहिए आपको। मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया हो रहा है। इसी बढ़िया मौसम की वजह से ही गाड़ी का प्लान नहीं बनाया, बाइक का ही प्लान बनाया। मज़ा बाइक पर ही जाने में इस मौसम में। देहरादून से आगे ऊपर कहीं भी जाते हैं हमारों में तो बढ़िया ही मौसम है। तीन चार जगह देखी है हमने, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी हमारी साहिबा बाइक चला रही हैं, हम थोड़ा पीछे बैठ कर रेस्ट करेंगे और उनको प्रैक्टिस भी कराएंगे अच्छे से, ताकि आगे भी हमारी हेल्प करती रहे चलाने में, हमें हमें ना थकना पड़े, वो भी थोड़ा बाइक चलाए। वैसे एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि डेली रूटीन में चलती नहीं है। हम पहुँच गए हैं अभी हरिद्वार, उनके द्वार गंगा का फ्लो काफ़ी ऊपर है अभी, काफ़ी अच्छा लग रहा है सामने। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम हरिद्वार में रुक तो नहीं पाएंगे क्योंकि आगे जहाँ पहुँचना है हमें वहाँ पर टाइम से ही पहुँचेंगे। सो आते हुए देखते हैं, अगर वापसी भी यहीं से करेंगे तो हरिद्वार रुक ही जाएंगे। आ ही गया वो जाम जो एक्सपेक्टेड था,
इतना टाइम हो गया यहाँ पे देखते हुए फ्लाई ओवर यहाँ पर, शायद 1.5-2 साल से देख रहा हूँ मैं यहाँ पे फ्लाई ओवर नहीं। तो बाई चांस यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम है आज, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक कम है। तो वैसे जब ट्रैफिक होता है यहाँ पे बहुत तगड़ा बढ़िया वाला जाम लगा होता है, उधर से आने के लिए भी उधर जाने के लिए। फ्लाई ओवर तो बनते हुए 2 साल से ऊपर हो गए आज। ये देख के कई बार ऐसा भी फील होता है कि अच्छा है गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में तो जाम भी करना पड़ता है, बाइक तो बनते हुए अंदर ही जाती है। सो फाइनली आ ही गए जाम से बाहर। अभी तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था, ट्रैफिक टाइम नहीं था इतना, क्योंकि हमें 10 से 15 मिनट लग गए जाम से। सोचा जब पीक टाइम होता होगा, पीक टाइम में क्या ही नज़ारा होता होगा, बस जितना रोड है सब में निकल गया। अभी हमने डिसाइड किया है, सोच रहे हैं कि आगे धनौल्टी चले जाएंगे, अगर मौसम ठीक हुआ, बारिश ज़्यादा ना हुई तो धनौल्टी चले जाएंगे, नहीं तो मसूरी ही जाएंगे। तो मौसम आगे का खराब दिखा रहा है वैसे तो, देखते हैं वहाँ जाके कैसा रहता है। यहाँ से आने वाला धनौल्टी को 13 दिन का कट, तो हम लेफ्ट जाना है 13 दिन के लिए जाना है, तो ऋषिकेश जाना है, तो यहाँ से सुबह जाएंगे सीधा जाता है देहरादून में, वो सूटी के लिए जाना चाहिए। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप निकलती हुई नज़र आ रही है, तो पीछे अभी तक मौसम बहुत बढ़िया रहा, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है और देखने की निकल हो गया है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था मौसम ऐसा अच्छा मिलेगा, और जून के महीने में मौसम बहुत बढ़िया रहा है। तेनी तेरा रुतबा कटदा ते हस के बुलानी कितने कितनी शानो शौकतां जांदियां मोहब्बतां जतान में कितने। अभी रुके हम थोड़ा गर्मी में ठंडी का एहसास लेने के लिए, जूस पियेंगे, प्यास बुझाएंगे, फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे गर्मी है, थोड़ी धूप निकली हुई है काफ़ी तेज। अभी पहुंच गए हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, देहरादून जा रहे हैं, लोकेशन आ गई हमारे पास, जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, थोड़ा सा काम निकालते हैं, उसके बाद सोच तो यही रहे धनौल्टी निकलने की, देख के डिसाइड करेंगे। काम से यहाँ नहीं, 1.5 घंटा ही लगा हमें वहाँ पे फ्री होने में, तो हम निकल गए हैं। पार्टी स्टार्ट हो गई है धनौल्टी की, ये धनौल्टी के लिए हमें मसूरी नहीं जाना है,
मसूरी की तरफ नहीं जाना है, धनौल्टी से मालदेव, देहरादून से मालदेवता होते हुए रास्ता निकलता है धनौल्टी का, उसी रास्ते से हम जा रहे हैं। काफ़ी ख़राब रोड है, पूरी ऑफ रोड है, बहुत छोटी काफ़ी है, बड़ी गाड़ियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रक आया हुआ है इस रोड पर, ट्रक निकल रहा है तो इसके साथ गाड़ी बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है, ये छोटी रोड है। तो काफ़ी सुनता रहे, रोड काफ़ी छोटी है लेकिन उतना ही सुंदर रास्ता भी है, बहुत ही प्यारा। ये होते हैं नज़ारे बादल ही बादल सड़क के ऊपर, बादलों से हुआ है धनौल्टी का स्वागत, मज़ा आ जाएगा इस मौसम में अगर ये मौसम रहा कल तक, खाना सक्सेस हो जाएगा अगर कल तक यही मज़ा रहा, यही नज़ारे रहे, बहुत ही बढ़िया ठंड लग रही है, अच्छा बढ़िया बढ़िया अच्छा ठंड लग रही है बाइक। फाइनली हम अपने होटल पहुंच गए हैं, रूम ले लिया हमने, बहुत ही बढ़िया लोकेशन मिली है, मज़ा आ गया देख के, आपको भी दिखाते हैं रूम से बाहर का व्यू कैसा है, आइए चलिए बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये है सुंदर नज़ारा हमारे रूम के बाहर से, जो आपको ये जगह दिख रही है यहाँ पे पूरे बादल थे जब हम आए थे थोड़ी देर पहले, थोड़ा छट गए हैं लेकिन पीछे बादल ही बादल हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और इतनी ठंड हो रखी है, लग ही नहीं रहा कि हम जून के महीने में आए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही औसम मौसम है और जगह उतनी ही सुंदर है। रिजॉर्ट लिया रोड के बिल्कुल साथ है, बहुत ही प्यारा व्यू है, व्यू की वजह से दिल आ गया इस रिजॉर्ट। ये देखो यारो बादल ही बादल, कितनी सुंदरता, कितनी शांति, पीस, सिर्फ चिड़ियों की आवाजें आ रही हैं। ऐसी लोकेशन के तो हम दीवाने हैं, हमें तो पसंद है ऐसी लोकेशन।